यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जब आप चश्मा पहनते वेटर्स और सादी वर्दी में मुस्टाच रख के आते, मुझे लगता है देश में अब सब ठीक हो जाएगा। द कन्विक्शन यू हैव यू पुट इन सच कैरेक्टर सर, इट्स नॉट द कन्विक्शन आल्सो, इफ वन जो कैरेक्टर है वो इतना स्ट्रांग है और ये कैरेक्टर मैं किसी जो कि रियल लाइफ कैरेक्टर है उसको पोर्ट्रे कर रहा हूँ जी, तो उससे एक और एक्साइटमेंट हो जाती है कि यू नो रियल लाइफ में अगर किसी ने ऐसे किया था तो कैसे किया होगा। फिर उसके बाद एक अच्छे खासे राइटर है हमारे रितेश, उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा खासा लिख दिया तो फिर जो डायरेक्टर है उन्होंने थोड़ी बहुत अच्छी डायरेक्शन कर दी, तो ये सब मिला के उस सब परफॉर्मेंस में भी ऐड हो जाता है। तो ये जो थोड़ा 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 ऐड हो गया उसमें आपका कितना सर है? नहीं, ज्यादातर इनका ही होता, अगर खराब लिखा होता तो मैं क्या कर लेता। बट सर आपने जो टैगलाइन है वो आपने दी है और ऐसा हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि हीरोज डोंट ओनली कम इन यूनिफॉर्म, ये जो है ये आपकी तरफ से आया, तो ये इसका आइडिया की इसका आइडिया कैसे आया आपके? क्योंकि अब तक जितने मैंने प्ले किए ज्यादा यूनिफॉर्म वाले प्ले किए तो इसमें यूनिफॉर्म नहीं था, आई वाज मिसिंग द यूनिफॉर्म, तो मुझे लगा कि आई थिंक ऐसा भी होना चाहिए और फैक्ट भी है जी। और जो डायलॉग्स है वो इतने पावरफुल है, मतलब ससुराल से खाली हाथ गया था बाकी नहीं आया कभी, तो खूबसूरत डायलॉग, इसलिए मैंने राइटर और डायरेक्टर का नाम लिया। बट सर जैसे सिंह में भी डायलॉग्स थे, वंस अपॉन अ टाइम में भी आपके लेजेंडरी डायलॉग्स हैं, इसमें वो कुछ नहीं, बहुत सटल तरीके से बोल रहे, एक स्माइल के साथ। मतलब इसमें जो अच्छी चीज है कि बहुत ही रियलिस्टिक है, फैबुलस डायलॉग्स है, ऐसा भी नहीं लगता अरे यार पंच लाइन मार रहा है, लेकिन यू नो इट हैज अ पंच, इट हैज अ पंच। सर सवाल है, आप रियल लाइफ के उस इंसान से मिले होंगे जिनकी जिंदगी पे या जिस कथा पे आधारित है, क्या क्या चीजें आपको जानने को मिली कि रेड के दौरान क्या क्या होता है और उसकी मानसिक स्थिति पे क्या बातें? वो सब फिल्में है लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमें बहुत आसान लगता है, और स्पेशली 80s में जब माहौल बहुत अच्छा नहीं था, मतलब कि यहाँ तक कि किस्से रितेश और राज आपको बताएंगे जहाँ पे उनको कई लोगों को आई थिंक काट के गटर वटर में भी फेंक देते थे, तो दे यूज टू गो थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम, तो ये सब किस्से जब सुनो आप तो ऐसे लगता था कि यार ये कैसे करते होंगे। भूषण जी म्यूजिक का थोड़ा बताएं, क्योंकि इस तरीके की फिल्म में म्यूजिक किस तरीके से फिट किया गया है और कौन कौन से गाने, अगर थोड़ा जिक्र करें। इसमें दो गाने हैं जो नहीं बताए हाँ सरप्राइज है, दो बहुत अच्छे गाने हैं सर, उसके लिए एक हफ्ता वेट कर लेना। अच्छा did you speak to some like IT officers, like how they go about the little nuances, you know? Not really, but the character we played, I mean, we understood, basically they understood a lot from him and I followed what they have understood. So, jaisa ki we speak about, it's a true story, it's a real character. So, we just knew what they feel, how they feel at that point of time, aur jitna real rakh sake, utna real rakha hai. And you all shot this film at a very short period of time, that's 2.5 months, I guess. मुझे बहुत लंबा लगा लेकिन आपको छोटा लगा होगा क्योंकि अगर आप 2-2.5 महीने घर से बाहर एक जगह पे रहो तो आपको बहुत लंबा लगता है। या नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय इन लाइक अजय एंड इलियाना योर लास्ट फिल्म वी सॉ अ वेरी पॉपुलर नंबर रश के कमर, इसमें भी कोई रहेगा गाना जो का यू नो इन सिमिलर लाइंस? बेटा अगले हफ्ते म्यूजिक अगले हफ्ते, उसके अलावा there's one more question for you. Ajay, you've been around in the film industry for a long time now and you have like a crazy fan following also. Is it difficult to stay relevant in the film industry for so long considering there's so much chaos? You know, Karan Johar also recently praised you in one of his interviews saying that there are no, it's just that of course it's difficult. You have to you can't take everything so easily. You have to work hard for it. And if you've achieved something, does not mean it's going to stay with you. It's not going to last forever. So you have to keep struggling and, you know, be where you are and try to go ahead till you do. Because there will be a point where you'll start moving back. That's how life is. Ajay sir, Virendra bol raha hu, Star Dhamaka se. Kahan? Yahan pe samne samne. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में बहुत सारे टैक्स चोरी होते हैं, लोग टैक्स नहीं भरना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म के जरिए आप? यार ये मैसेज पे काफ़ी लोग मुझे गालियाँ भी देंगे लेकिन तो इसलिए मुझे पता नहीं है मैसेज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन हाँ जो फिल्म कहती है वो बात तो सही है कि आप यू शुड बी फेयर और टैक्स जो आप कमाते हैं तो फिर टैक्स भरिए, और
कई बार गलती दोनों तरफ से होती है, टैक्स वालों की तरफ से भी होती है और इनकी तरफ से भी होती है, बट दोनों तरफ से सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। सिंघम का कैरेक्टर हमने आपको देखा, एक नया परसेप्शन क्रिएट हुआ उसके बाद दृश्यम, और अब ये रेड आने वाला है, जो आपका जो इस फिल्म में जो कैरेक्टर है, इसमें क्या नया परसेप्शन क्रिएट हो सकता है और क्या इस कैरेक्टर को लेकर एक नया बेंचमार्क क्रिएट हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए वो तो मुझे नहीं पता क्या क्रिएट हो सकता है, लेकिन स्ट्रगल यही था कि कैरेक्टर बहुत हीरोइक है लेकिन रियल है, तो जैसा कि रितेश ने भी कहा कि कोशिश यही थी कि उसको जितना रियल रख सकें, अगर पंच लाइन भी हो तो वो ऐसे लगना चाहिए कि यू नो रियल लग रही है, ऐसे नहीं लग रहा कि आप फिल्म देख रहे हैं। तो कोशिश यही थी कि कैरेक्टर को जितना रियलिस्टिकली फॉलो कर सकें वो किया है, बाकी तो आप लोग डिसाइड करेंगे क्या अच्छा लगा आपको उसमें क्या बुरा लगा।